हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बना रही हूँ अष्टमी नवमी या भंडारे में बनने वाला चना। तो मैं ना चने को रात भर पानी में डाल के रख दी थी और सुबह सुबह इसे मैं बॉयल कर ली हूँ 3-4 सीटी लगा के। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छी तरह से चना बॉयल हो चुका है। तो मेरी बेटी को बहुत मन था, जो दुर्गा पूजा में चना जो बनता है ना बिना प्याज लहसुन का मसाले डाल का सूखा वाला खाने का, तो आज मैं इसको वैसे ही बनाऊंगी। तो चने का पानी मैं निकाल लूंगी और चने को बॉयल करते समय ना मैं चने में ना नमक भी डाली थी। तो नमक डाल के बॉयल करने से बहुत अच्छा लगता है, चने के अंदर तक नमक चला जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। अब मैं इसको बनाने के लिए मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर 1 स्पून, काली मिर्च 1/2 स्पून से भी कम, और यहाँ ली हूँ धनिया पाउडर 2 स्पून के लगभग, और गरम मसाला पाउडर, और मैं ली हूँ आमचूर पाउडर, और इनको पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। तो चलिए अब बनाते हैं। बहुत ही इजी है बनाना और बहुत झटपट बन जाता है। तो पैन हमारा गर्म हो चुका है और इसमें मैं डालूंगी तेल 2-3 चम्मच के लगभग, और तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दी राई 1 स्पून के लगभग, और राई जब चटकने लगेगा उसमें मैं डालूंगी कूटा हुआ अदरक, 1 हरी मिर्च और कढ़ी पत्ता, और इनको भी 1 मिनट तक भून लूंगी जब तक कि थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। और इसमें मैं डाल दूंगी जो तैयार की थी मसाला, मसाले को डाल के अच्छी तरह से भून लेना है मीडियम फ्लेम पे, तब तक भूनना है जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। और इसमें अब मैं डाल दूंगी स्वादानुसार नमक, और नमक डाल के भी अच्छी तरह से मिला लेना है। तो अब ना इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और पानी डाल के भी मसाले को कुछ देर तक और पका लूंगी ताकि मसाला हमारा बिल्कुल भी कच्चा ना रहे, और पानी डाल के भी इसे कुछ देर तक 2-3 मिनट तक पका लेना है। और उसके बाद फिर जब ये मसाला अच्छी तरह से पक जाएगा तो इसमें मैं डाल दूंगी अपने चने को, और चना डाल के भी इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेना है, और चना डाल के भी कम से कम 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको मिलाते हुए पका लेना है। और बस हमारा चना बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो यहीं पे मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपका 1 लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये भंडारा वाला या अष्टमी या नवमी में बनने वाला ये चना कैसा लगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।